नागरिक हूँ, मैं राजस्थान एक बहुत छोटे से गांव से हूँ जहाँ पे लोगों को मतलब इतना एजुकेशन का वहाँ पे नहीं है, लोगों को ना तो करियर ऑप्शंस पता है और वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ 10th क्लास तक पढ़ लिया, 8th क्लास तक पढ़ लिया, उसके बाद मोस्टली फार्मिंग में है। और मेरे पेरेंट्स को मतलब हायर एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मेरा ऐसा था कि मैं बिल्कुल नहीं, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था, मैं सिर्फ इतना था कि मैं टीचर बनूंगी, मैं बीएड करूंगी और मैं टीचर बनूंगी, और इवन 12th क्लास तक मैं आईआईटी का नाम तक नहीं जानती थी। और फिर ऐसा हुआ कि किसी ने इतना बताया कि तुम आईआईटी का फॉर्म भर दो, देख लो हो जाएगा। तो फिर मैंने आईआईटी का फॉर्म भरा, मतलब तब मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी गाइडेंस मिली कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स भी इंकरेजिंग थे तो उन्होंने मेरे को भेजा कि ठीक है तुम जाओ। फिर मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे मैं सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि मैं कैसे बैकग्राउंड से गई थी जहाँ पे मतलब बेसिक इतने अच्छे नहीं थे, तो मेरे को वहाँ पे कम्फर्टेबल फील नहीं हुआ। तो मैं वापस आने वाली थी कोटा से कि मैं नहीं कर पाऊँगी शायद, पर मुझे एक थ्रेट मिला, थ्रेट कह सकते हो या फिर एक उस चीज़ ने मोटिवेशन की तरह काम किया जब मैंने ऐसा अपनी फीस तक रिफंड करवा ली थी कि मैं वापस जा रही हूँ, बट मेरे पापा ने बोला कि अगर तू वापस आएगी तो तेरी शादी कर देंगे। तो इससे मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं मुझे करना है कुछ। तो फिर मैं 1 साल वहाँ रुकी और मैंने पूरा जी जान लगा के मेहनत की, और उसके बाद फिर मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया और उसके थ्रू मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले मतलब जिनके बारे में मैंने कभी देखा ही नहीं था। और उसका एक एग्जांपल है ये शॉर्ट कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप पे, और इस कोर्स में मुझे हमेशा से ऐसा सोशल सर्विस में थोड़ा इंटरेस्ट था, और इस कोर्स ने मेरे लिए बहुत सारे ऐसा ऑप्शंस खोल दिए। मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि कैसे फंडिंग आती है NGOs में, और कैसे तुम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो या अपनी कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हो। तो इस कोर्स ने मुझे बहुत सारे ऐसा वेज दिखाए कि तुम कैसे कर सकते हो, और एक मेरे अंदर होप जगा दी कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और इसमें मुझे भी अभी एंटरप्रेन्योरशिप में और ज़्यादा इंटरेस्ट आया। मुझे पहले से था कि मुझे कुछ तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, पर मुझे ऐसा क्लियर नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा। तो ये कोर्स करने के बाद अभी मेरे लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल गए हैं, और अभी मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया है, और ई बुक बहुत अच्छी है। ई बुक में बहुत सारे ऐसे फेलोशिप्स है जिसके थ्रू कि मेरे को एक्सपीरियंस मिल सकता है, और उसके बाद फिर कैसे मेरे पास फंडिंग आ सकती है, और ये सब नॉलेज मिल चुकी है, और मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट भी बन चुके हैं। अभी केतन सर हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आगे भी मेरी इसी तरह हेल्प करते रहेंगे, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आए और इस तरह की गाइडेंस मिली।